हैप्पी मॉर्निंग। सो दोस्तों, मैं क्या व्लॉगिंग करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब आज मेरे दो और रिकॉर्डिंग्स हैं और मैं बस जा रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है और हैप्पी मॉर्निंग है और कल मेरे दो शूट्स हैं, तो मैं जाती हूँ और वहाँ का थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाती हूँ जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन कैसा होता है, विच आई लव। तो बस मैं निकल पड़ी हूँ, रास्ते में हूँ मस्ती करती हुई। आंटी थी प्यारी साड़ी पहन के जा रही है। अच्छा ये तो बताऊँ कि जो गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं आज कौन सा है? हिंट नहीं, मतलब सॉरी सब हिंट दूंगी हल्की सी, कि वो है पुराना ब्लैक एंड व्हाइट। ये एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। वो आई लव दैट सॉन्ग। हिंट दूँ कि नहीं दूँ? चलो छोड़ो, बाद में सुनना। ये बच्चे फ्लावर्स बेच रहे हैं और मैं सोचूं कि मैं ले लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे रोज़ वाटर बनाने हैं, पता है मैं घर में खुद फ्रेश बनाती हूँ रोज़ वाटर। कैसे दे रहे हो बच्चे? 20 का एक है? हाँ, और अगर 7-8 लूँगी तो? आई लव दिस सॉन्ग ऑल्सो। और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। मेरे आसपास के लोग पक्का सोच रहे होंगे पागल बंदी जा रही है। सोचने दो, क्या कर सकते हैं। पता है मैं इसी गाड़ी में बैठी, पता है कौन सा गाना आता सुबह सुबह? सैड सॉन्ग। बाप रे, मैंने फटाफट चैनल चेंज कर दिया। मन पर बदल गया सारा कि तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। सुबह सुबह सैड सॉन्ग कौन सुनेगा? बड़ा चेंज दी सॉन्ग। पता ये बात है, मैं सुबह सुबह निकलती हूँ और अच्छे अच्छे गाने सुन लेती हूँ और आप लोग से मेरी बात हो जाती है, तो मेरा दिन बन जाता है, मेरा दिन अच्छा जाता है, पता है? और आप लोग भी तो यही कहते हो कि मेरी वीडियो देखने से सुबह सुबह आप लोग का दिन अच्छा जाता है, ऐसे ही मेरा भी अच्छा जाता है। मैंने आपको रील्स दिखाए थे, आपने नहीं देखा? कैसे लग रहे हैं? हमारी टीम ने कोलैबोरेट किया भी अंशुमन पाठक जी के ऑडियो स्टूडियो के साथ। पता सच बताऊं, मुझे यहाँ पर आके इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, और ऐसा लगता है कि मैं कितने सालों से इनके साथ काम कर रही हूँ। पता है फाइनल रिकॉर्डिंग होने से पहले अंशुमन जी मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं ना, और बस एक ही बात कहते हैं, मैम गाना फील करो और गा दो। और पता है उनके वहाँ की स्पेशल चाय, मैं दीवानी हो गई उनकी चाय की। पता है अंशुमन जी का एक अलग ही और है, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे उनके रोम रोम में म्यूजिक बसा हुआ है। संगीत में उनका इतना पैशन देख के मेरा उन पर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। उनको इतना हार्ड वर्किंग देख के पता है मेरा क्या मन कर रहा है, कि बस मैं बैक टू बैक सॉन्ग्स अप करती जाऊं।